हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके एक न्यू व्लॉग में। हैप्पी द्वादशी। कल एकादशी थी और हम सब का फास्ट था, आज द्वादशी है। कल मैंने कान्हा का स्नान कराया था पंचामृत से, आज चंदन से कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी कान्हा काले काले से हो रहे थे। तो चंदन आपके पास कोई भी हो, वैसे ज़्यादातर लोग गोपी चंदन से करते हैं, बट कोई भी चंदन हो तो चंदन से चमक जाते हैं। और चंदन से स्नान कराने के बाद ये हार्मफुल भी नहीं होता। और उसके बाद मैं इनका दूध से स्नान करा रही हूँ, आज मैंने पंचामृत से नहीं कराया। और दूध से स्नान कराने के बाद फिर मैं इन्हें नॉर्मल जल और लास्ट में गंगा जल छिड़क दूँगी। तो कल एकादशी थी और आज द्वादशी है। एकादशी का जो भी फास्ट रखते हैं द्वादशी को उसका पारणा करते हैं। आज द्वादशी को व्रत खुलेगा तो मॉर्निंग में पूजा पाठ के बाद हम भी व्रत खोलेंगे। व्रत की विधि सिंपल ही रहती है। आज कथा नहीं करती हूँ मैं, आज बस आरती कर लेती हूँ या फिर आपको जो भी हनुमान चालीसा या जो भी पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आज कथा नहीं करती हूँ, एकादशी को ही कथा करती हूँ। आज एकादशी माता की और जगदीश जी की आरती कर लेती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। राधे राधे। एक बात और याद रखना, जब भी आप कान्हा को वस्त्र पहनाते हैं नीचे भी ज़रूर पहनाएं उन्हें, नीचे शॉर्ट्स ज़रूर पहनाएं। अगर आप शॉर्ट्स नहीं पहनाते हैं तो आप उनके लिए मौली का धागा भी बांध सकते हैं। नग्न नहीं रखना चाहिए उन्हें। तो हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं शॉप से, और हमने भी लिए हुए हैं। पहले हम भी नॉर्मली ऊपर का ही जो भी होता था, अब तो हमने फैशन वाले भी रखे हुए हैं इनके लिए। कभी कभी ज़्यादातर यही पहनाते हैं, बट मैंने इनके लिए रखे हैं जीन्स भी रखे हैं और नाइट सूट, ये सब शॉर्ट्स सब रखे हुए हैं, अब अवेलेबल होते हैं। तो मेन ये है कि इन्हें कभी भी नग्न नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ आप मौली का धागा भी लपेट सकते हैं। तो सिंपल सी विधि है कान्हा को, हमने तुलसी माला ज़रूर ली हुई है। एक तो उनकी जो सोने की माला है वो तो है ही है, और उसके बाद तुलसी माला, उनको मोर पंख से सजाना, कैप पहनाना और हाथ में बांसुरी दे देते हैं। कान्हा का स्नान कराना, कान्हा की पूजा करना, कान्हा को वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, ये अच्छा लगता है मॉर्निंग में। बस यही होता है पूजा पाठ में मेन। और फिर श्याम बाबा है और जो मूर्तियां हैं उनका भी स्नान करा देते हैं, बस थोड़ी बहुत टाइम लग जाता है। और जो है एकादशी के दिन हम व्रत जो करते हैं द्वादशी को, उसका दान जरूर देना चाहिए। दान देकर ही हमें भोजन करना चाहिए, जो भी भोजन बना होता है। तो बहुत से लोग आलू पूड़ी करते हैं, और अगर आप आलू पूड़ी नहीं बना रहे तो सिंपल सी खिचड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि आज के दिन मेन जो होता है चावल खाना होता है। चावल का भोग जब आप पहले चावल ग्रहण करेंगे उसके बाद ही आप पूड़ी सब्जियां कुछ भी खा सकते हैं। चावल का महत्व ये माना जाता है, एकादशी को चावल तो बिल्कुल भी वर्जित है, चावल नहीं खा सकते हैं। चावल को कीड़े की उपाधि दी गई है, अगर आप चावल खाते तो कीड़े बनते हैं ये बोला जाता है। और द्वादशी को सबसे पहले चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि जो एकादशी के दिन कीड़े बने होते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आज मैं आलू पूड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि नवरात्र में इतने दिन से आलू पूड़ी ये सब आलू खाते खाते बोर हो गए। आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, तो बने रहिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ सिंपल सा खिचड़ी और दही का भोग लगाएंगे। Thank you.
ओम जय जगदीश हरे कम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण मैं दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे पत्य मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे चरण गम किसने ओम जय जगदीश हरे तुम कौन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। ओम जय भोग का मैंने पहले भी बताया, जब भी आप कृष्ण या किसी भी भगवान को भोग लगाओ, मेन तो कान्हा का है कि उससे पहले आपको बैल बजानी होती है, वो तभी भोग ग्रहण करते हैं। और जो चावल है वो शिवजी में भी और तिल शिवजी में शिवलिंग में चढ़ा के आज चावल का भोग लगता है, तो चावल मैंने सूखे भी चढ़ा दिए भगवान जी को। बाकी सबको भोग लगाती हूँ, इसके बाद पारणा करती हूँ। पहले तुलसी दल हाथ में लेके एक बार पारणा कर लेती हूँ कि भगवान आज जो भी व्रत है द्वादशी को, इसका मैं पारणा करने जा रही हूँ, इस व्रत का फल मुझे प्रदान करें और जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करें। उसके बाद जो दान होता है वो दान रखती हूँ मैं, एक थाली में दान रख के वो दान देते हैं। बताया जाता है जितना संकल्प का महत्व होता है उतना ही पारणा का भी होता है, तो खाना तो प्रॉपर टाइम पर नहीं खा पाते, इसलिए तुलसी दल से मैं व्रत खोल लेती हूँ। ये पारणा कर रही हूँ, जिस तरीके से संकल्प करा था उसी तरह से पारणा करके तुलसी दल को मुँह में ले लेते हैं, तो ये भी व्रत खुला ही माना जाता है। ये दान के लिए खाने से पहले हम दान देते हैं, दान के लिए चावल आटा और दाल चने की दाल गुड़ और नमक और साथ में ही पैसे, जो भी पैसे हो या फल, आलू भी रख दिए मैंने और फल में मैं ऑरेंज रख देती हूँ। और फिर इसके बाद जो दक्षिणा होती है वो रख के इसको भी बोलते हैं प्रभु मैं माधुरी या जो भी आपका नाम हो, हाथ में जल लेके तुलसी दल लेके और इसे जो भी हमारा दान है उसके ऊपर से घुमाते हैं, बोलते हैं प्रभु इस दान को स्वीकार करें और इसका फल हमें प्रदान करें। फिर उसके बाद ही हम मैं बनाऊँगी भोग।
इसको पहले मंदिर में दे के आते हैं, फिर उसके बाद भोग बनाएंगे। बैठी रहती है और रोती है और मम्मी को बुलाती है और नीचे नहीं आती है। आओ, बस गोदी में आती है मम्मी की, पूरा ऊपर आओ। अच्छा, इतने नीचे से नहीं लेना पड़ता है, यहीं पर नहीं। और ऊपर आओ। ये रोती है, टूट गिर गया पूरा निकल गया। और ये रोती है, फिर मम्मी को बुलाती है, फिर गोदी में आती है। ये देखो, मम्मी को देख के भी रोती है। गुड मॉर्निंग। ये देखो, इसके रोज रोती है, इसको ऐसे ले जाना पड़ता है। कैसे? गोदी में। देखो, सीधा कर, ये देखो, ऐसे सिला है धागे से, थ्रेड से सिला है। रुको दिखा दूँ। और तुमने एक दिन में ही अपना ये निकाल दिया बैंडेड। ये देखो, दिखा रही हूँ अभी, रुको। आप इतना रोते हो, ये देखो, ये पूरा है, पूरा का पूरा तुम्हारे, ये देखो, सिलाई मारी है, स्टिचिंग की है। दिखाऊं? मैं बोल रही थी ना, रोज़ मत रो। कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी श्री के साथ। श्री गिर गई थी और टेबल से पूरा कट गया था, पूरा आँख ही कटने वाला था, तो भगवान जी ने बचा लिया। पूरा कट गया इसका, स्टिच हुए, तो उसी का ये देख रही थी। अब मैं भोग के लिए बना रही हूँ, हम लोगों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। नॉर्मली हम बनाते हैं मूंग दाल की खिचड़ी, बस इस बार थोड़ी सी मैंने नया ट्राई किया है। मैं बना रही हूँ चने की दाल डाल के। थोड़ी देर से मैंने भिगो के रखे थे, ये 5 मिनट हो गए, चावल और चने की दाल। और तड़के में मैंने बस जीरा डाला है और हरी मिर्च डाल दी है और सेंधा नमक डालूंगी। चावल ही ऑलरेडी भीगे हुए हैं, तो 2 से 3 सीटी में ये पक जाएंगे, क्योंकि चने की दाल है, ये इजीली पकती नहीं है, तो 3 सीटी इसमें लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगी, तहरी टाइप, बहुत से लोग तहरी बोलते हैं, तो वैसे बनाऊंगी। और फिर हम इसको दही के साथ लेते हैं। सिंपल इसमें डाल दिया नमक, हल्दी, मिर्च, हरी मिर्च भी डाली है, और थोड़ी सी मसाले डाल देती हूँ। मसाले में धनिया और थोड़ी गरम मसाला, बस पानी थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी। तो आप भी ये बना सकते हैं अगर आपका एकादशी का फास्ट है। वैसे मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और नॉर्मली तो हम आलू पूड़ी, चावल और या फिर मूंग दाल की खिचड़ी लेते हैं। 3 सीटी इसमें आ जाएगी तो ये रेडी हो जाएगा। ये देखो, ये बन के रेडी हो गई है। सिंपल ही है, सिंपल सी बनी है। नई तुलसी जी आ गई हमारी, ये आए झंडे वालन माता से। एक ये है, इसमें आज हम लगाएंगे तुलसी। तुलसी के बीज है मेरे पास, इसमें अच्छे से लगाती हूँ। एक दो बार लगाया था, लगी नहीं। देखो, छोटे छोटे बीज हैं, मैं इसमें डालूंगी, कोई भी हो जाए। बहुत सारी लगाई थी, थोड़ी सी और लगा देती, कुछ तो होंगी। देखो, आज 3 लगा दिए, एक ये तुलसी और ये गेंदे का भी। बहुत सारे तुलसी जी लगा दी आज, हो नहीं रही है ना। देखो मेरी गार्डनिंग, ये गेंदे का और इसमें तेज पत्ता भी है, ये गुड़हल है, और इसमें भी काइंड ऑफ गुड़हल ही होते हैं, कल दिखाया भी था। 2-3 आज और लगा दिए, ये सब हैं हमारे प्लांट। ये देखो, आज मैं कर रही हूँ गुड़ाई। अब हिंदी में क्या बोलते हो तो पता नहीं, पहाड़ी में गुड़ाई बोलते हैं। ये देखो, जितने भी प्लांट हैं इनको देखो, मैंने
धूप भी लगाई है गणेश जी के लिए। देखो बीच बीच में जरूरत भी पड़ती है ना, मुझे लग रहा गेंदा हो भी रहे इसमें छोटे छोटे। बहुत सारे लगाए थे मैंने, हो रहे। आज करना पड़ेगा कुछ अच्छा सा काम। एक दो बारिश हो गई है तो अच्छे हो गई है, मिट्टी नरम हो गई है। आप टिप्स दीजिए, आप कैसे अपने पौधों को सुरक्षित रखते हैं। इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो रहा है कुछ।